आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, इसमें दो ट्रेनों की टक्कर हुई है। विजयनगरम में बता दें, इस टक्कर के दौरान ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 54 से ज्यादा घायल हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ते ट्रेन हादसों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है, लेकिन लोगों की जिंदगियों को भी दांव पर लगा दिया है। एक के बाद एक हादसों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच एक बार फिर आंध्र प्रदेश से बड़े ट्रेन हादसे की खबर ने देश में हड़कंप मचा दिया। दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में देर रात एक रेल हादसा हो गया। इस रेल हादसे में अब तक मृतकों का आंकड़ा 13 पर जा पहुंचा है, जबकि 54 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अब राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। ट्रैक पर रेल संचालन बहाली और फोकस पर गौर किया जा रहा है। वहीं हादसे की वजह से फंसे हुए यात्रियों के लिए बसों और ट्रेन का इंतजाम किया गया। हादसे की वजह से अब तक कुल 18 ट्रेन रद्द हो चुकी हैं और 22 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। वहीं अब वाल्टियर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद ने हादसे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारण का पता चल पाएगा। जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इधर रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव काम जारी है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है, सवाल ये भी है कि बालासोर जैसे हादसे के बाद भी सरकार इतनी लापरवाही कैसे कर रही है। आखिर गंभीरता से इन चीजों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।